हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं YouTube चैनल। तो आज हम आए करोलबाग, करोलबाग की मार्केट आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और दोस्तों यहां पे सबसे फेमस चीज है निर्मल मोमोज के नाम से, निर्मल मोमोज पॉइंट है। दोस्तों ये दुकान जो है 11 साल पुरानी है और 11 साल से ये बंदा, जब इसकी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी तब से ये दुकान लगा रहा है। और सबसे जो मेन चीज़ है ना, जो आपको बताना चाहता हूँ, बंदे ने पढ़ाई के साथ साथ करा है। कई लोग पढ़ाई छोड़ के काम करते हैं, इन्होंने पढ़ाई के साथ करा है। तो चलो चलते हैं, उनसे मीटअप करते हैं एक बार देख। तो दोस्तों अभी हम भी ट्राई करके देखेंगे कि रियल में है भी कुछ या कि नहीं, या फिर लोग वैसे ही अफवाह बना रहे हैं कि भाई निर्मल मोमोज, मतलब निर्मल मोमोज सब यही बोलते रहते हैं। मेरे काफ़ी दोस्त करोलबाग में आए, उन्होंने खाया, उन्होंने बताया कि भाई काफ़ी अच्छा है, टेस्ट है, एकदम जेन्युइन टेस्ट है। मतलब जिसे कहते हैं कि भाई एक आप विश्वास नहीं, मतलब रेडी पे इतना अच्छा टेस्ट मिल सकता है आपको। जेन्युइनली मैं भी खा के ट्राई करूँगा अभी, और आपको रियल व्यू दूंगा कि ये रियल में है भी कि नहीं। तो भाई कुछ लोग यहाँ पे खा रहे हैं, तो उनसे पूछते हैं कि कैसा लगा उनको और कब से आ रहे हैं, कैसा टेस्ट है, टेस्ट है भी कि नहीं है। तो क्या नाम है आपका भैया? योगी। तो भैया कब से आ रहे हो आप यहाँ पे? मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, बट यार टेस्ट बहुत बढ़िया, मैं आगे से यही खाने वाला हूँ। अच्छा, मतलब जब भी करोलबाग राउंड लगे समझ लो यहाँ पे आना ही है। तो मतलब आपको कैसा, क्या फील आया, मतलब खा के एकदम? एक होता ना कि एक होता है भाई कि हाँ भाई नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल मोमोज तो बहुत खाए हैं, बट नॉर्मली मैं खाई नहीं, मुझे फेमस कहीं भी फेमस मिलता है तो मैं वहाँ पर एक बार ट्राई जरूर करता हूँ। अच्छा, आज मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है और सबसे बेस्ट लगा मुझे कि इसमें नहीं बहुत ज़्यादा ऑयली है मोमोज, बिल्कुल, और ग्रेवी भी अच्छी है और बहुत स्पाइसी, अपने अकॉर्डिंग बनवा लो जैसे कि बना सकते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट कि बटर ऊपर से डाला हुआ है तो थोड़ा टेस्ट और बढ़ गया इसका। तो चलो आ चुके हैं हम निर्मल मोमोज पॉइंट वाले, जो मेन हेड है यहाँ का, जो बंदा जिनने शुरुआत करी 11 साल पहले, इनने शुरुआत करी जिस भाई ने, और तब इनकी दाढ़ी मूछ भी आई थी, एक्सपीरियंस भी नहीं था किसी चीज़ का कि यार कैसे वर्किंग होता, बंदा जॉब कैसे करता है या बिजनेस कैसे शुरू करता है। तब इस उम्र क्या थी उस टाइम जब आपने शुरू करा? मेरा 15 साल का था, मेरा बड़ा भाई है वो लगाते हैं। एक ये माँ सका यार, आवाज़ तक हमारे व्यूवर्स को ना आवाज़ नहीं आएगी, दिक्कत हो जाएगी। भैया आप देख रहे हो, भैया मतलब फ्री नहीं हो पा रहे, आप देख सकते हो इनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, कोई चटनी लेने आ रहा है, कोई कुछ लेने आ रहा है, मतलब। और सबसे मेन चीज़ जो आपकी 11 साल पुरानी दुकान है, और आप कह रहे हो कि मैं उस टाइम बहुत छोटा था जब आपने बताया था, पहले मिला था ना आपसे एक बार, तो ऐसा क्या, मतलब ऐसा क्या हुआ था जैसे आपको ये शुरू करना पड़ा, और ऐसा क्या एक्सपीरियंस रहा आपका इसके साथ अब तक, जो आप इतने लंबे समय से जुड़े रहे? भैया ये सबसे पहले मेरे घर जा चुके हैं, इनकी दुकान से मैं स्कूल जाता था, उसमें स्कूल के बाद ढाई बजे से 3-4 बजे यहाँ पहुँचा था, बस भाई के साथ हाथ मिला था। फिर धीरे धीरे भाई थोड़ा ज़्यादा बिजन लग गया, तो सारी चीज़ मेरे हाथ में, मतलब ढाई बजे आप स्कूल से आके फिर यहाँ पे हाथ भी बढ़ाते थे साथ में बड़ा यार आपको हेड टॉप। फिर उसके बाद मेरा इंटरेस्ट भी था खाने पीने में, बनाने में भी, खिलाने में, लोगों का एप्रिशिएट मिलता था कि यहाँ से दिमाग कहीं और गया ही नहीं, तो लोग अप्रिशिएट करते थे, अच्छी अच्छी चीज़ सुना होता है, लोगों को बहुत पसंद आता था। तो अभी आपके पास क्या क्या वैरायटियाँ होंगी, मतलब मोमोज में काफ़ी वैरायटी देख रहा हूँ मैं आपके पास। आज मोमोज की वैरायटी वो ऐसी नहीं कि एक दिन में कुछ भी रेसिपी बना दी और कुछ भी एड करके मैंने सीखा वगैरह बना दिया, हर वैरायटी कम से कम 100 लोगों का 1000 लोगों में टेस्ट करवाया, उसके बाद मेन्यू में एडिट करी है। बिल्कुल, आज सारी वैरायटी जो है हमारी खुद की बनाई हुई वैरायटीज़ हैं, टेस्ट इसका जो है सारा अपना टेस्ट है, ऐसा टेस्ट है कि हजारों लोगों को खिलाया गया, उसके बाद मेन्यू में एडिट करा है, जितने ज़्यादा लोगों को पसंद आई चीज़ें, ज़रूरी है जो आज मेन्यू में दिख रहा है वो भी बनाए, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें बनाई जो नहीं पसंद आई लोगों को और स्किप कर दी, जो चली हुआ मेन्यू बनाने। बिल्कुल, और अब ऐसा नहीं है रेडमी, सैमसंग, आई, ये इन सब की तरह मिक्स वैरायटी रखते हैं। तुम्हारे भाई पे लिमिटेड वैरायटी है आईफोन की तरह, 7, 8, 9, 10, 12 प्रो मैक्स ऐसी वैरायटी मिलेगी, वो चटपट ना, बिल्कुल सही बात है। बाकी सिंपल को हमने थोड़ा मॉडिफाई करके तो सारी वैरायटी अपने पास में जो वैरायटी है, वेज पनीर चिकन हमने बंद कर दिया पिछले, नॉन वेज नहीं लगते नहीं भैया। चलो ये भी अच्छा है, किसी को वेज, प्योर वेज खाना हो तो यहाँ पे आ सकता है निर्मल मोमोज पॉइंट, इसको ध्यान रख ले, निर्मल मोमोज पॉइंट, इसके अलावा कहीं ना जाए आपको टेस्ट मिलेगा ऐसा कि आप खुश हो जाओगे। मोमोज भी वेज है और अपन भी वेज है भाई, बंदा भी वेज है। देखो भाई सबसे बढ़िया चीज़ लगी ना, इस बंदे से अगर एक बार खाना होगा तो आप जुड़ जाओगे, दूर नहीं जा सकते आप इस बंदे से, क्योंकि बातचीत का जो जरिया है ना, मतलब एक फ्लो होता है ना इंसान का जुड़ने का, वो एक बहुत बढ़िया है। और आप देखिए सबसे महंगा इंग्रेडिएंट, अच्छा महंगा, सबसे ज़्यादा महंगा इंग्रेडिएंट, अच्छा वो होता है मोमोज बनाते बनाते मोमोज के अंदर प्याज, आजकल तो ऑनलाइन जाते हैं भाई, प्याज के नाम पे तो लोग दिखा के छुआ के भगा देते हैं, बस ठीक है भाई। गफ्फार मार्केट में आओ और अगर किसी में थक जाओ तो निर्मल मोमोज के मोमोज खाओ और मस्त हो जाओ। ये बिल्कुल सही है भाई, ये तो शायरी बन गई एक। और अपने पास ऐसा कुछ ठगने वाला काम नहीं है, जो कुछ भी भाई आपके सामने है मेन्यू पे है, वीडियो में देख लो, ऑडियो में देख लो, गूगल पे देख लो, सब जगह सेम मिलेगा। ऐसा नहीं कि भैया पसंद आ गए तो 20 के 50 मांग ले तो ले बेटर लिए। तो भैया जैसे आपने शुरुआत करी जब आप स्कूल में पढ़ाते पढ़ते थे, सॉरी पढ़ाते नहीं थे,
तो उस टाइम बड़ी दिक्कत हुई होगी आपको, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि आप पढ़ रहे हो साथ में, ये भी कर रहे हो, मतलब कैसे करा? से नहीं था उनसे बिल्कुल मैक्सिमम लोग इसलिए बेरोजगार है, डिग्री तो है लेकिन कुछ नहीं है, आप देख सकते आपको देख के लगेगा कि बंदा मोमोज बेचता है, लेकिन बंदे ने शर्म को हटा के अपने काम पे फोकस करके आज अपना नाम कमाया, निर्मल मोमोज पॉइंट बनाया, और दोस्तों शुरुआत करी भाई ने, आगे बढ़ाया दूसरे भाई ने, देखो आज ये बंदा खड़ा है किस मुकाम पे, आप भी देखो। दोस्तों चलते हैं और खाते हैं कुछ नया मोमोज, जो कि बोलते हैं ना कि अफगानी मोमोज या और जो भी हैं, भैया से पूछते हैं कौन कौन से मोमोज इनके पास हैं, तो भैया कौन से खिलाने वाले हो आप आज? सर हमारे पास में बहुत सारे वैरायटी के मोमोज हैं, वेज पनीर फ्राई ग्रेवी अफगानी बटरफ्लाई बटर मसाला, मैं आप खिलाने वाला हूँ अपना सबसे ज़्यादा जितने पसंद है सिग्नेचर मोमोज, सिग्नेचर क्या बोलते हैं, सिग्नेचर रेसिपी, सिग्नेचर डिश बोल सकते हैं, है ना, तो अफगानी मोमो सबसे ज़्यादा बिकते हैं, अफगानी पसंद करते लोग बहुत ज़्यादा बिकते हैं, चलो शुरू करेंगे भैया, अब देखिए आप आगे कैसे बनाएंगे। ये मोमोज फ्राइड हो चुके हैं भैया, अभी अफगानी मोमोज होने के लिए गए। ये डाली मैंने अदरक लहसुन और पीनट वाली चटनी, ये डाली मैंने अफगानी चटनी, ये डाला इसके अंदर बटर, और ये डाली मोमोज वाली चाट चटनी, ये डालने इसमें अंदर मेयोनीज, ये अनियन, ये डलेगी इसके अंदर क्रीम, और अब इसको करेंगे हम अच्छे से घुमा, शेक करेंगे, शेक तो भैया वैसे होता है ना, मेजर करेंगे, मेजर हल्का सा मोमो उसको शेक कर देते हैं ताकि ग्रेवी इसके अंदर घुस जाए, जैसे जिंदगी में रस आता है ऐसे मोमोज के अंदर भी रस आना चाहिए, इसलिए मोमोज को थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं। भैया आपका फ़ोन कौन सा है आपके हाथ में जो है? आईफोन 11। तुम्हारा भाई एक आगे ही चलता है, ये खिलाने वाला हूँ मैं आपको 12 प्रो मैक्स लेवल के मोमोज, 12 प्रो मैक्स मोमोज, और ये कहना सीजनिंग महंगे वाला, ठीक है, जब आपके फ़ोन की क्लैरिटी बढ़िया है ना, अरे इस मोमोज को खाने के बाद आपको भी लगेगा सच में मोमोज की क्लैरिटी बहुत बढ़िया है। हाँ बाकी इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं आपको, ज़्यादा पता होगी, कोई दिक्कत नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, लीजिए मोमोज तैयार बिल्कुल सर। तो भाई देख सकते हो आप मोमोज, देखने में ऐसा लग रहा है ना कि हम किसी स्टॉल से नहीं खा रहे हैं, किसी अच्छे रेस्टोरेंट से खा रहे हैं। तो भाई चीज़ देखो आप, बाकी हम खा के टेस्ट करते हैं एक बार, देख के तो बहुत मन कर रहा है जल्दी जल्दी खा लूँ फटाफट, क्योंकि भाई ने ना ऊपर से जो देसी घी फिराया है ना इसके ऊपर मक्खन लगाया है, वो उसका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, देसी घी नहीं है बटर है, बटर है वो, हाँ जी कोई बात नहीं बटर हो यार, देसी घी है तो घी ना। तो भाई टेस्ट करते हैं पहला, ये आप देख सकते हो क्या मस्त लग रहा है यार देखने में, थोड़ा गर्म है बट टेस्ट ऐसा यार आप खाओगे ना सच में आप कहोगे कि भाई रियल व्यू था, झूठ नहीं बोलता, बाकी आप भी ट्राई करो, आप भी ट्राई करो। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है भाई, 200 रुपये दिए मैंने आपको, मतलब भाई आप अगर खाओगे ना तो आप कहोगे कि फील ऐसा आ रहा है कि किसी बड़े रेस्टोरेंट में बैठे हो, और कितने का ये भैया, कितने का ये? 100 रुपये भैया, 100 रुपये का यार, 100 रुपये में क्या चाहिए आपको, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे ना 100 रुपये में आपको ये मिलेगा भी नहीं, कम से कम 250-250 रुपये से कम नहीं होगा यार, इतनी सारी वैरायटी डाल दी इसके अंदर आपके लिए सिर्फ 100 रुपये में, सोचने वाली बात है, बाकी खाने में बहुत। करोल बाग रेजेंट मॉल के सामने करेक्ट आपको मिलेगा निर्मल मोमोज पॉइंट, गूगल पे भी मिल जाएगी, गूगल पे चेक करो आप निर्मल मोमोज पॉइंट, आपको गूगल पे मिलेगा, मोबाइल नंबर इसमें है आप कॉल करके आ सकते हो, तो आप इनको ऑनलाइन भी मंगा सकते हो स्विगी जोमेटो, आप उनसे भी घर बैठे मंगा सकते हो, सेम ऐसा ही टेस्ट घर पे भी ले लो, लेकिन अगर आप आगे खाओगे तो एक अलग ही व्यू होगा, क्योंकि तो यार गरम गरम बना के देंगे ना उसका एक अलग टेस्ट है, वो आप खाओगे तभी पता लगेगा, मैं खा लूँ, फिलहाल आप इन्जॉय करिए वीडियो को।
तो भाई कैमरा मैन भी खा रहा है, देखो ये मतलब फ्री का खा रहा है ये कैमरा मैन, बस कैमरा पकड़ने का खा रहा है ये। देखो कह रहा है भाई मेरे को देख के रहा नहीं जा रहा, मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है। ये देखो ये एक खा गया। अब विष्णु रियल बताइए कैसा लगा, सच सच बताइए, झूठ नहीं बोलना है, सच्ची भाई बहुत बढ़िया है, मजा ना आए वापिस, मजा आ गया, अगर मजा ना तो पैसे वापिस, तो आके खाओ डबल ले जाना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार। और इन भैया को भूलना मत, निर्मल मोमोज पॉइंट, इनको भूल गए तो फिर सब कुछ ही भूल गए यार, टेस्ट की दुकान है ये।